चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 8 की। ठीक, तो अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 8 में बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से विदेश जाता है किन किन कारणों, यदि कोई व्यक्ति भारत से विदेश जाता है किस किस कारण से, नौकरी करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए या भ्रमण करने के लिए, किस किस कारण, क्या क्या करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, भ्रमण करने के लिए या नौकरी करने के लिए, तो उस व्यक्ति की भारत देश की नागरिकता कैंसिल या उसकी नागरिकता कहीं नहीं जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि यदि आप भारत देश के नागरिक हैं और यदि आप बाहर यानी किसी विदेश या दूसरे देश में पढ़ाई करने यानी शिक्षा प्राप्त करने, भ्रमण करने या नौकरी करने जाते हैं तो आपकी नागरिकता को कुछ नहीं होगा, यानी आपकी नागरिकता यानी सुरक्षित रहेगी। यानी आपकी नागरिकता की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुच्छेद 8 में है। किन किन बेसिस पर, शिक्षा के लिए यदि आप गए हैं, यदि आप भ्रमण करने के लिए गए हैं, यदि आप नौकरी करने के लिए गए हैं, तो आपको जो नागरिकता की सुरक्षा किसके तहत है, 8 के तहत है। क्या बात है, किस किस कारणों से, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं, शिक्षा के लिए गए हैं, भ्रमण के लिए गए हैं या फिर आप नौकरी करने के लिए गए हैं। ठीक, कहाँ गए हैं, किसी दूसरे देश में, तो आपकी जो नागरिकता है यानी जो भारत की नागरिकता है वह सही सलामत रहेगी, इसकी जिम्मेदारी अनुच्छेद 8 ने ली है। यानी इन सब कामों में आपकी नागरिकता सुरक्षित है। अब इसमें आप कुछ गलत काम तो थोड़ी कर रहे हैं, आपके आप केवल शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या भ्रमण के लिए तो गए, आपकी इसमें नागरिकता की कोई अलग बात नहीं आती, मतलब आपकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी। यदि आप वहाँ जाकर हमारे देश के बारे में कुछ गलत कहते हैं या देश विरोधी कार्य करते हैं, देश विरोधी कार्य करते हैं, तो आपकी नागरिकता हटाई जा सकती है। ठीक।